मेगा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। ज्ञान वापी मस्जिद पारा आज की सुनवाई जो है वो टल गई है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि वकीलों ने हड़ताल कर दिया है और आज वकीलों के हड़ताल की वजह से ज्ञान वापी मस्जिद पर जो सुनवाई होने वाली थी वो टल गई है। लेकिन इस केस में एक और नया मोड़ आ गया, क्योंकि हिंदू संगठनों की तरफ से निचली अदालत में एक और याचिका दाखिल की गई है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर। यहां पर याचिका में कहा गया है कि अब उन्हें श्रृंगार गौरी मां की पूजा और अर्चना करने की इजाजत मिले, और साथ ही इस याचिका में कई सारी मांग जो है हिंदू संगठन की तरफ से रखी गई है। और अब आज इसी याचिका पर सुनवाई होनी है और अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या इजाजत देती है यहां पर श्रृंगार गौरी मां की पूजा करने की, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से सुनवाई आज की टली है, अब सबकी नजर जो है सर्वे की रिपोर्ट पर है, क्योंकि यहां पर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है। फिलहाल कोर्ट ने भी उस एरिया को सील कर दिया है और वहां पर दो जवानों को 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दोनों समुदायों के बीच कहीं ना कहीं यहां पर तनातनी देखने को मिल रही है और यहां पर यही देखा जा रहा है कि कोर्ट भी चाह रही कि जल्द से जल्द इस मामले पर वो सुनवाई करे। लेकिन यहां पर जिस तरह से सर्वे की टीम ने दो दिन की जो मोहलत मांगी है, उसके बाद 20 मई को इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले जो याचिका दायर की गई है हिंदू संगठनों की तरफ से, अब उस पर यह देखना होगा कि कोर्ट आज क्या फैसला सुनाती है। क्या ज्ञान वापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मां की पूजा करने की इजाजत जो है हिंदू संगठन के लोगों को मिलती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।